कल हमने किया था मैथड्स और लास्ट क्लास में मैथड्स और टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस। आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशंस, या फिर नेचर बोल सकते हैं, और नेचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है मोटिवेशन का, कि वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ऑब्वियस है, साइकोलॉजिकल है। हम मेंटली सामने वाले को मोटिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने उसको नीड्स और डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कुछ फिजिकली एक्शंस ले, मतलब मेंटली स्टिमुलेट करते हैं कि वो फिजिकली एक्शन ले। तो ऑब्वियस है, ये एक तरीके का क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, क्योंकि हम किसी को फिजिकली मोटिवेट नहीं कर सकते, मेंटली हम मोटिवेट कर सकते हैं, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस से आगे बढ़ सकता है। तो फिर वो बात की एक्टिविटी होती है कि हम, वो साइकोलॉज फिजिकल एक्टिविटी होती है, इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। डिपेंड करता है इंसान की पर्सन्स की नीड के ऊपर, उसके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, उसके डिज़ायर्स, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है काम करने का, और वो अपने आप को दूसरे इंडिविजुअल से कैसे रखता है। कुछ लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, या फिर कुछ टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं कि अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो ये काइंड ऑफ मोटिवेशनल जो भी है साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। सेकेंड देखो, मोटिवेशनल डायनामिक और सिचुएशनल होता है। हम हर जगह पे एक जैसी ट्रिक नहीं यूज कर सकते, तो डायनामिक इसलिए क्योंकि इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोटिवेशन का तरीका भी चेंज हो सकता है। समटाइम्स ये पॉजिटिव्स भी हो सकता है, समटाइम्स ये नेगेटिव्स भी हो सकता है। ये एक्शन, ये सब कुछ उसके गोल्स और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जो पर्सन आज है, जरूरी है नहीं वो कल भी सेम वैसे ही हो, तो इसलिए हर बार ये डायनामिक और सिचुएशनल होता है। नेक्स्ट देखो, मोटिवेशन इज नॉट इजली ऑब्जर्व फिनोमिना। मोटिवेशन इज नॉट इजली ऑब्जर्व फिनोमिना। ये कोई इजिली ऑब्जर्व फिनोमिना नहीं है। इसके लिए देखो, इजिली ऑब्जर्व मीन्स हम हर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। हमको पहले सामने वाले को जानना पड़ता है, हमको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं उस सामने वाले पर्सन के एक्शंस, फिर हम उसके एक्शंस को जब एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हम सामने वाले को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मोटिवेशन इज नॉट इजिली ऑब्जर्व फिनोमिना के बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑब्वियस है, हम एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए या गोल, हम उसको ऐसे स्टिमुलेट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की तरफ ध्यान दे, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है मोटिवेशन, ये इन्फ्लुएंस होता है सोशल और कल्चरल नॉर्म से। याद रखना, मोटिवेशन इन्फ्लुएंस किससे होता है, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। जो सोशल या कल्चरल वैल्यूज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सामने वाले के मोटिवेशन में। जो सोसाइटी होती है, देखो कोई भी इंसान है उसको लगता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, रहते तो हम सोसाइटी में, लोग हमको जाने, तो सोसाइटी से क्या रिलेटेड है, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस। तो इसलिए हम अपनी सोसाइटी में, हम जहाँ उठते बैठते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको रिस्पेक्ट मिले, तो इसलिए भी मोटिवेशन किससे इन्फ्लुएंस रहता है, सोशल और कल्चरल नॉर्म से। नेक्स्ट देखो, इसमें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव मोटिवेशंस में क्या होता है, मनी मनी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। पॉजिटिव मींस हम सामने वाले को रिवॉर्ड करते हैं, हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं, तो बोनस देते हैं या उनको इंक्रीमेंट देते हैं, तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। पॉजिटिव में ये दो आएंगे।
मॉनेटरी मीन्स मनी से रिलेटेड, जिसमें वेजेस, सैलरी, स्पेस और इंक्रीमेंट्स दे के लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और नॉन मॉनेटरी में क्या होता है, स्टेटस को बढ़ाया जाता है, उनको क्या रिकॉग्निशन दिया जाता है, काम में पहचान दी जाती है, सबके सामने अवार्ड्स दिया जाता है, सबके सामने आपको अथॉरिटी दी जाती है, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, तो ये नॉन मॉनेटरी में आएगा। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, नेगेटिव एक तरीके का पनिशमेंट टू इम्प्लॉयज होता है। नेगेटिवली भी हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने सेल्स फोर्स को, जब उनका सबके सामने अगर हम उनको डांटते हैं या जो भी, तो वो उनके अंदर एक इच्छा होती है कि वो आगे बढ़े, ठीक है। तो नेगेटिव मोटिवेशन को क्यों करना पड़ता है, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, जो वर्कर्स या सेल्स फोर्स का अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो या जो एक्टिविटीज़ है उसको एलिमिनेट करने के लिए, और जो एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बिहेवियर्स है उसको प्रमोट करने के लिए। हाँ, अगर हम इसमें क्या करते हैं, जो गुड परफॉर्मेंस होता है तो हमको उनको एडिक्वेट नॉलेज भी दे एक्नॉलेज भी करते हैं, हम उनको अच्छा सा इंसेंटिव्स भी देते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं उनके पॉजिटिव बिहेवियर के बाद, अगर वो इन लोग इम्प्रूव करते हैं तो इस टाइप से दो टाइप्स के मोटिवेशंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे मोटिवेशनल थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। आपकी इसमें थ्री टाइप की थ्योरीज आपको पढ़नी है, एक मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, सेकेंड आपको इसमें पढ़ना है हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, थर्ड है आपका रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो देखो, ये जो फर्स्ट यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है आपको एज अ पिरामिड शेप में, ये कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है, मैस्लो हायरार्की नीड्स, देखो इस ये जो थ्योरी है इसको फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को। फ्रॉम द बॉटम अब अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो मैस्लो किसी का नाम है जिसने ये थ्योरी दी है, उसने ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन वांट्स को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया या फाइव काइंड्स ऑफ नीड्स में डिवाइड किया। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो नीचे से ए ये फिजियोलॉजिकल नीड्स से, ये सेकेंड रहेगी सेफ्टी, थर्ड है सोशल, फोर्थ एस्टीम और फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं ये कौन सी होती है इंसान की, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, हेल्थ केयर है, ठीक है। तो ये देखो जब इंसान की ये एक नीड नीचे से स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीट होगी तब वो ऊपर की तरफ उस नीड पे आगे की ओर बढ़ेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि ये सब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कि जैसे ही एक नीड फुलफिल होगी वो सेकंड में जाएगा, सेकंड हो गई तो थर्ड, थर्ड हो गई तो फोर्थ, और फोर्थ हो गई तो फिफ्थ। अगर हम इसको नीचे से जाएंगे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आती है इंसान की, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर। तो इसके लिए मैनेजेरियल एक्शंस क्या होते हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वो लोग सेल्स फोर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एक तो अच्छी खासी इनकम देते हैं, एडिक्वेट इनकम देते हैं या ऑफर करते हैं, दूसरा कुछ अच्छे पैकेजेस देते हैं, बेनिफिट्स पैकेजेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम आएंगे सेफ्टी नीड्स, तो सेफ्टी नीड्स में क्या रहता है, जॉब सिक्योरिटी रहती है, अच्छी इनकम होती है, इनकम सिक्योरिटी होती है। तो ये कैसे फुलफिल होती है, मैनेजरियल एक्शन से। जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का वो बहुत अच्छा होता है, सब एक दूसरे की बातों पे एग्री करते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं कि लोग उसको अचीव कर सकें, कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, और उसमें से कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं तो उनको जो फेलियर्स हैं तो उनको वो लोग करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं। तो ये एक तरीके की सेफ्टी नीड्स हैं। नेक्स्ट देखो सोशल नीड्स, सोशल नीड्स क्या होता है, अफिलिएशन होता है, फ्रेंडशिप होता है, एक्सेप्टेंस होता है, हमारा एक सर्कल हो। तो इसके लिए मैनेजेरियल क्या करते हैं, एक गेट टुगेदर करते हैं, सोशल फंक्शंस करते हैं,
या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको न्यूज लेटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अप्रिसिएशन का सेल्स मीटिंग होल्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो सोशली इन्वॉल्व करते हैं। फिर आती है अपनी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स होता है एक स्टेटस, पहचान ऑर्गेनाइजेशन में। तो एस्टीम नीड्स में क्या करते हैं मैनेजेरियल, जो भी सेल्स पर्सन होता है अगर उसने कुछ अचीव किया है तो उसको पर्सनली रिवॉर्ड किया जाता है, प्लस पब्लिकली उनको टाइटल दिया जाता है, जैसे सेल्समैन ऑफ द ईयर, सेल्समैन ऑफ द मंथ, या उनको कमेंडेशन लेटर्स दिए जाते हैं, उनको प्रमोशंस दिए जाते हैं। तो ये सब आएगा एस्टीम नीड्स में। ऊपर देखो फिर दिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है, हम खुद का डेवलपमेंट चाहते हैं, हम खुद में चेंज चाहते हैं, हम खुद के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज चाहते हैं सब कुछ। तो इसमें क्या होता है मैनेजेरियल एक्शंस क्या होते हैं, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे भेजते हैं, अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, हाई पोस्ट पे प्रमोशन करते हैं, लोग आपके नीचे काम करते हैं। तो ये है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। ये फर्स्ट मोटिवेशनल थ्योरी है। इसमें लिखा है कि ह्यूमन बिहेवियर जब एक नीड फुलफिल होगी फिजियोलॉजिकल, तब वो सेफ्टी को फुलफिल करता है, और जैसे ही उसकी ये दोनों फुलफिल हो जाएंगी वो थर्ड में आता है, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में। इसलिए इसको एक पिरामिड के शेप में बनाया है, नीचे से ऊपर की तरफ टॉप में अगर हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो, ये हो गया मैस्लो की थ्योरी। सेकेंड अगर हम अब पढ़ेंगे इसमें, अब हमारी सेकेंड थ्योरी हम पढ़ेंगे हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग की जो थ्योरी है किसने दी थी, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। इन्होंने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की थी 2000 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के ऊपर, जो 11 अलग अलग डिफरेंट फर्म्स में थे यूएसए में। जो फाइंडिंग्स आई थी स्टडीज की, वो दो सेट्स में डिवाइड की गई, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड की गई फाइंडिंग्स को। एक सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज था, एक डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो कुछ जॉब्स कंडीशंस ऐसी थी जो प्राइमरीली लोगों को डिससेटिस्फाई करती थी, और या उनका जो सराउंडिंग्स था वो उनको मोटिवेट नहीं करता था काम करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस को उन्होंने डिससेटिस्फायर्स कहा है, या जो आसपास की कंडीशंस होते हैं उसमें हाइजीन नहीं होता है। हाइजीन के लिए एक मेंटल हेल्थ, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स। ये एक जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वहाँ पे आप एक हाइजीन लेवल मेंटेन करें। हाइजीन का मतलब यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई से नहीं है, बहुत मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, लोगों का मेंटल हेल्थ कैसा है, वहाँ रहने से लोगों के अंदर नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, पॉजिटिवली मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने ये सब पे ध्यान दिया। तो उस बेस पे फिर क्या किया इन्होंने, दूसरे सेट्स ऑफ जॉब कंडीशंस को ऑपरेट किया प्राइमरीली मोटिवेशन के लिए, हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। बट क्या हुआ, वहाँ पे उनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिला एम्प्लॉयज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स थे। तो दो सेट्स में इन्होंने स्टडी की थी, एक डिससेटिस्फेक्शन में जिसको बोलते हैं हाइजीन, और एक है मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे दोनों को स्टडी करेंगे, दो क्लासिफिकेशन किए थे इसलिए इसका नाम था टू फैक्टर थ्योरी। पहले को अगर हम बोलेंगे मेंटेनेंस फैक्टर, ये वो फैक्टर्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे और लोग डिससेटिस्फाइड थे। तो मतलब यहाँ फिर एक चीज मैंने आपको बताया, हाइजीन फैक्टर्स की कमी थी। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे कमी थी और जिससे लोगों में डीमोटिवेट था, तो ये फैक्टर्स हैं। पहला इसमें कंपनी की जो पॉलिसी थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनको बिल्कुल सही नहीं लग रहा था इस सेट में। तो कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड था इसमें टेक्निकल सुपरविजन, जो मेंटेनेंस में आते हैं, मतलब ये चीज़ें मेंटेन करके चलनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास लोग मैन पावर्स काम कर रहे हैं। फिर इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर्स। इंटरपर्सनल रिलेशन्स मीन्स आपके आपके सीनियर्स के साथ किस टाइप के रिलेशन्स हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशन
विद सीनियर्स. नेक्स्ट क्या था, इंटरपर्सनल रिलेशन विद कलीग्स. फिर है इंटरपर्सनल रिलेशन विद सबऑर्डिनेट्स. फिर क्या था, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी. तो ये सब मेंटेनेंस फैक्टर्स में जाते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें मेंटेन करने रखनी पड़ती हैं. पर्सनल लाइफ है. फिर क्या बोल सकते हैं इसमें, वर्क कंडीशंस, स्टेटस. तो ये पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स हैं किसके अंदर, मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स के. ये इन्वॉल्व होते हैं किसी की जॉब में, एक्सटर्नल टू द जॉब एंड रिलेट्स टू द जॉब एनवायरनमेंट. ये जॉब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं. अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड फैक्टर है वो है मोटिवेशनल फैक्टर. मोटिवेशनल फैक्टर में ए हम दे रहे हैं अचीवमेंट, कि लोग अचीवमेंट अचीव करते हैं कुछ चीज़ उसका, फिर उनको उसका क्या मिलता है, रिकॉग्निशन. तो ऑलरेडी वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए. तीसरा क्या होता है, एडवांसमेंट. ऐसे नहीं घिसे पिटे दिए जा रहे हैं, एडवांसमेंट मिल रहा है उनको उनके लाइफ में. द वर्क इटसेल्फ, इंजॉय कर रहे हैं वो अपने काम को. द वर्क इटसेल्फ, दे आर इंजॉइंग देयर प्रोफेशनल लाइफ. फिर क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ ऑब्वियस है. प्रमोशंस दिए जाएंगे, सैलरी इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ. फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, काइंड ऑफ रिकॉग्निशन. तो ये थे हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर्स थ्योरी. क्रिटिसिज्म क्या था, इस थ्योरी का जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला था बहुत स्मॉल और सिंपल. इन्होंने किसी ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया. दूसरा, इन्होंने मोटिवेशनल और मेंटेनेंस फैक्टर्स तो बता दिए, लेकिन अच्छे से डिफरेंस नहीं हो पाया. ये जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, हम इसको मेंटेनेंस में भी तो डाल सकते हैं. दूसरा, आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो सेल्स फोर्स है, जब वो काम करते हैं तो उनके बीच में एक पे होता है, एक स्टेटस होता है, एक उनके बीच में एक इंटरनेशनल रिलेशंस होता है. तो इन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग में मेंटेनेंस में बताया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सीनियर्स, कलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स, बट इसको एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, हाउ किसकी कैसे वो लोग इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो लोग कैसे डिससेटिस्फायर्स खिला रहे. तो ये इसके क्रिटिसिजम्स थे हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर्स थ्योरी की. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखेंगे, एक लास्ट थ्योरी आपके टॉपिक की, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 3rd थ्योरी है. ये किसने दी थी, बेसिकली रूम जो पर्सन था जिसने थ्योरी बनाई थी, उसने अपनी थ्योरी को 3 कॉन्सेप्ट्स पे बेस रखा था. पहला कॉन्सेप्ट था इसका, इसने 3 कॉन्सेप्ट दिए मोटिवेशन के रिगार्डिंग. पहला कॉन्सेप्ट इसने दिया एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशंस. सेकेंड इसने इंस्ट्रूमेंटलिटी दी. थर्ड इसने बैलेंस बताया. एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सामने वाले के एफर्ट और परफॉर्मेंस. इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या हो जाएगी, ये परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच का डिफरेंस होगा. देखो कोरिलेट करना है, एफर्ट्स डाल रहे हैं तो परफॉर्मेंस होगी, फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस है ये रिवॉर्ड, हमने जो परफॉर्म किया उससे हमको कुछ रिवॉर्ड मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये उसको एक्सप्लेन करता है. और ये किसको करेगा, रिवॉर्ड एंड
वैलेंस का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। तो इसमें ये तीन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, ये थ्री कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्सपेक्टेंसी मतलब इंक्रीज्ड कॉल एफर्ट्स। हम सपोज अगर हम किसी बीपीओ में काम करते हैं तो हम कॉल्स ज़्यादा करेंगे, वर्किंग डे हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं कि सेल्स ज़्यादा हो रही है उस कंपनी की, अकाउंट्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं कंपनी में, सेल्स कॉल रेशियो ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। ठीक, तो ये एक्सपेक्टेंसी थी। फिर हम इसमें रिवॉर्ड कैसे देंगे, उनको पे करेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, उनको प्रमोशंस मिलेगा, हायर सेट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स होगा। तो ये रिफ्लेक्ट करता है एक पर्सन्स के, पर्सन जो परसीव करता है, खुद से फील करता है और अपने काम को करता है। तो इंसान ऐसे भी मोटिवेट होता है। वो कैसे मोटिवेट करता है? तीन चीज़ों से मोटिवेट करता है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस के थ्रू। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फोर्स को ऐसे हम मोटिवेट कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट इसमें देखो, ये पूरा सेल्स पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो लोग कितना वर्क हार्ड करते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो वो जाएगा एक्सपेक्टेंसी में, क्योंकि हायर सेल्स उनको कहाँ पहुँचाएगा, ग्रेट कमीशन, बड़ी कमीशन पे। तो हाई कमीशन मींस हाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी, और उसके बाद एंड हायर कमीशन जब उनको मिलता है तो वो एक तरीके का रिवॉर्ड भी, इट मींस हाई वैलेंस। तो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन शुड रिजल्ट्स। तो इससे करते हैं कि डिफरेंट सेल्स पीपल के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं उनके सेल्स रिवॉर्ड्स को लेकर। कुछ ज़्यादा से खुश हो जाते हैं, कुछ कम से खुश हो जाते हैं। तो ये उनके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का परफॉर्मेंस दे रहे हैं और किस टाइप का अपना एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरीज थी आपके मोटिवेशन में।